अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 13th of October है और इसे वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे के तौर पे जाना जाता है, तो सबसे पहले आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि थ्रोम्बोसिस होता क्या है। ऑल्दो कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम लाइव जो मैंने किया था वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, मौजूद है, लेकिन फिर भी इस हवाले से बताना चाहूँगी कि थ्रोम्बोसिस जो है, चूँकि अवेयरनेस देनी चाहिए और अवेयर जब तक आप नहीं होंगे किसी चीज़ से तो कैसे प्रिवेंशन कर सकेंगे। तो थ्रोम्बोसिस वो ब्लड क्लॉट है, वो खून का जमाव है जो कि आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और उस सिलसिले में फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। समटाइम हार्ट अटैक सामने आता है और बहुत से हार्ट इश्यूज जो हैं इससे बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, मेजरली जो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है कि थ्रोम्बोसिस जो है वेन्स को अगर ब्लॉक करेगा तो वीनस थ्रोम्बोसिस है, और अगर वो किसी आर्टरी को ब्लॉक करेगा तो फिर वो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस कहलाता है। यहाँ हम ये जान लेते हैं कि इसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है, अपनी वर्क रूटीन को बेटर कीजिए, अपना जो वेट है उसको हेल्दी कीजिए। अगर आप ओबीज हैं तो आपको ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो भी थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इमोबाइल रहते हैं, यानी कोई हरकत नहीं करते, कोई वर्जिश नहीं है, आपकी एक्टिविटी में इमोबिलिटी ज़्यादा है, तो भी ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई इंजरी भी इसकी वजह हो सकती है, कोई ट्रॉमा इसकी वजह हो सकता है कि आपको ब्लड क्लॉट हो जाए और थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट इश्यूज बन जाए। तो आप हेल्दी फूड लीजिए, जो हार्ट हेल्दी फूड्स स्पेशली जो आपके हार्ट के लिए हेल्पफुल हो, ऐसी फूड्स को लीजिए। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेनी, बिकॉज ये जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहिए, यानी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज ये भी सर्कुलेशन के सिलसिले में बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि इसमें अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो मेजरली जो तीन चीज़ें सामने आती हैं वो एक है कि बॉडी पे स्वेलिंग आएगी, चेस्ट पेन होगी, इसके साथ ही साथ नमनेस की फीलिंग होगी, यानी बहुत ज़्यादा सुन्नपन की कैफियत होगी बॉडी में। ये चीज़ें हैं जो थ्रोम्बोसिस के साथ सामने आती हैं। इसके साथ ही साथ अगर ये जान लेते हैं हम कि हॉस्पिटलाइजेशन जैसे होती है, या कोई पर्सन जो है किसी ऑपरेट से गुजरता है, तो उसके बाद भी थ्रोम्बोसिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और याद रखिए कि अगर सबसे ज़्यादा अहम बात वही कि इमोबिलिटी, यानी कि अगर आप मोबाइल नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। 30 मिनट की वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत तेज़ी से और दौड़ दौड़ के चलना है तो वही फ़ायदेमंद है, नहीं। हल्के कदमों से 30 मिनट की वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हार्ट पेशेंट्स के लिए तो होती ही है और तमाम लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि 30 मिनट वॉक को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। 1 in 4 की रेशो है, यानी कि इस थ्रोम्बोसिस की वजह से जो डेथ कॉज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके अलावा 60% जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होता है कि वहाँ पर थ्रोम्बोसिस के केस बन जाते हैं, कि जब पेशेंट किसी ट्रॉमा से गुजरता है हॉस्पिटलाइजेशन होती है उस दौरान में। इसके अलावा आपको ये बताती चलूँ कि किस तरह से आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से कीजिए कि हार्ट हेल्दी फूड लीजिए, प्रोसेस फूड को नहीं लेना, ठीक है, जंक फूड को भी छोड़ दीजिए, लूज़ क्लोथिंग लीजिए, और स्पेशली जो सॉक्स हैं और स्टॉकिंग्स हैं आपके स्पेशल इस सिलसिले में जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनको वियर कीजिए। इसके अलावा लेटते हुए और अपने जो है रेस्टिंग जो पोजीशन होती है उसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है उसमें ये है कि आपकी जो लेग्स हैं आपके हार्ट लेवल से 6 इंच जो है वो अप होनी चाहिए। टाइम टू टाइम ये काम करते रहिए, इससे ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप थ्रोम्बोसिस से बच सकते हैं।
मैंने जिक्र किया कि एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज वो कीजिए जो आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथी की। तो होम्योपैथिक में हमारी बहुत सारी बेहतरीन मेडिसिन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को दूर करती हैं और थ्रोम्बोसिस को ठीक कर देती हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी जो रेमिडीज़ हैं उनके हवाले से तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ एक बात कहती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और खुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कीजिए। लेक्सस टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा आर्निका बहुत अच्छा काम करती है, हमारी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है, ऑक्सीजिनम हमारी मेडिसिन है जो बहुत बेहतरीन काम करती है और इस सिलसिले में बेनिफिशियल होती है। और इसके अलावा हार्ट टॉनिक्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं जो कि ब्लड को ठीक करते हैं और हार्ट की जो हेल्थ है उसमें बेनिफिशियल होते हैं। उसमें जो हार्ट टॉनिक्स हैं उसमें क्रैटिगस और कैक्टस का नाम लेना जो है वो मैं ज़रूर ज़रूरी समझूंगी और अर्जुना को भी नहीं भूलिए। तो ये वो बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।